ये JCB 3DX है, इसका हमने एक्सल खोला है, एक्सल में प्रॉब्लम था, लीकेज था और आवाज़ आ रही थी, ऑपरेटर ने बोला। तो ऑपरेटर ने ऑलरेडी टायर खुल के रखा था, लेकिन कभी कभी एक्सल में सेंटर में काम रहता है, कभी कभी हाफ में रहते हैं, मतलब एक साइड खोलनी पड़ती है या ज़्यादा से ज़्यादा दो साइड खोलनी पड़ती है। लेकिन इसका आज इतना काम है कि हमने दोनों साइड का CW कैरियर भी खोला है, क्योंकि दोनों तरफ का बेयरिंग है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और फिर इसका पूरा आर्म भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ का प्लेट डालना है, एक तरफ का पिछली बार डाला था, कुछ पेमेंट का इशू था शायद। तो अभी एक तरफ का जो ब्रेक प्लेट होता है वो ब्रेक नहीं लग रहा, तो एक तरफ का वो भी खोलना है। वो खोलने के बाद तो ऐसे दिखाऊंगा, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ये इसका क्या क्या खोला दिखाएंगे आपको। ये देखो, इसका हमने हब खोला है, ये प्लेनेट है, लंबा जाना पड़ता है, एनालिस रिंग कैरियर, ये बेयरिंग के लिए ये सब खोलना पड़ता है ना। ये देखो, ये बेयरिंग इधर का सील गया था, तो बेयरिंग भी डैमेज है, थोड़ा बेयरिंग भी डालना पड़ेगा इसका। ये दो बेयरिंग हो गए, क्यों? क्योंकि सील ख़राब हुआ था उधर का, पीछे की तरफ से ऑयल आ रहा था इसके। ये CW कैरियर बोलते हैं इसको, तो इसके पीछे का सील गया था, इसको खोलने के लिए ये सब कुछ खोलना पड़ता है, तो सील डालने के लिए सील। अब सील क्यों जाता है? क्योंकि बेयरिंग भी जाता है, इसके लिए सील जाता है। अभी देखो, ये भी खोला है हमने यहाँ का, ये देखो बेयरिंग गया था, ये जो हब में प्ले आ रहा था। अब ये ऑपरेटर ने कुछ 8-10 दिन पहले खुद ने डाला था ये एनालिस रिंग, लेकिन फिर से टूट गया ये वाला, तो ये दिक्कत है। उसमें प्ले आया ठीक है वहाँ पे, इसका ये बेयरिंग जाने के बाद बड़ा वाला, तो ये दिक्कत आती है, बार बार टूटने का प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए ये भी अभी हम आर्म भी खोलेंगे इसका, इसके अंदर क्लच सॉरी ब्रेक प्लेट जो होता है वो डालेंगे। तो ये देखो बेयरिंग जाने के बाद कैसा दिखता है, इसमें प्ले आता है, तो ये बेयरिंग भी डालना पड़ता है। अंदर की तरफ जो स्टील का कोटिंग है निकल चुका है इसका, तो ये दो बेयरिंग सील, उस तरफ का दो बेयरिंग सील, और फिर अंदर का ब्रेक प्लेट भी डालना है। तो इतना सब करना पड़ता है कभी कभी एक्सेल में, तो ऐसे काम पूरा दिन जाता है। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये अच्छा है दोनों तरफ का। तो बस यही कि ज़्यादातर हम कभी भी आते हैं एक्सेल पे तो इतना काम कभी नहीं निकलता, कभी कभी एक साइड का निकलता है, या कभी कभी गियर टूटता है, आपने भी देखा होगा, या कभी कभी सेंटर का काम निकलता है। लेकिन इतना बड़ा काम कभी 4-2 साल में एक आधी मशीन का होता है, तो आज इस मशीन का निकला है। अभी ये सब कंपनी का मटेरियल अगर डालेंगे हम तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा, लगभग ऑयल पकड़ के बेयरिंग पकड़ के दो बेयरिंग जो है बेयरिंग का ही 8-10-12-13 हज़ार बड़ी वाली बेयरिंग का ही जाएगा, और इसका फिर जाएगा 15-16 हज़ार, फिर ऑयल है 35-40 हज़ार तक खर्चा आ सकता है इसको। हाँ, प्लेट भी है, प्लेट का अलग लगभग 40-45 हज़ार के आसपास, उससे ज़्यादा ही खर्चा आएगा अगर ये कंपनी का मटेरियल हम डालते हैं, और इसमें अल्टरनेटिव मटेरियल डालते हैं चाहे HP रोबोट, तो खर्चा कम आएगा, लगभग आधे दाम में हो जाएगा काम। तो बस यही बताना चाहता था आज की वीडियो में, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।